ओके जय हिंद दोस्तों, मैं 3D मिलिट्री के डायरेक्टर रिटायर्ड आर्मी एंड चीफ ऑफिसर दिलीप कुमार। जैसा कि आप सबों का बहुत सारे क्वेश्चन और कमेंट आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर सलाह क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में बच्चे सभी के सभी शार्प माइंड होते हैं। जो बच्चे 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ये सब बच्चे शार्प माइंड होते हैं। सभी के सभी तेज माइंड के होते हैं। ये कहना उचित नहीं होगा किसी पेरेंट्स या माता पिता के कि हमारे बच्चे दिमाग से कमज़ोर है या ये सक्सेसफुल नहीं करेंगे, ये गलत होगा। आप एक बार उनको, अगर उनकी परीक्षा लेना है तो उनको एक कोई हेडसेट दे दीजिए और उनको कुछ मत बताइए। आप देखिए कि वो कैसे अपने आप स्वयं ऑपरेट कर लेता है, जबकि उसी मोबाइल को चलाने के लिए आप 15 दिन 20 दिन किसी से सलाह लेके सीखे। वो बच्चा बिना सलाह लिए भी देखिए सब चीज़ कैसे गेम वगैरह डाउनलोड करता है, कैसे चलाता है। तो आप कैसे समझते हैं कि बच्चे माइंड से कमज़ोर हैं? ऐसे बच्चों के लिए मेरे लिए मेरी तरफ से बेहतर सलाह है कि आप उनको अभी से कंपटीशन ट्रैक पर उतार दीजिए। देखिए कि वो बच्चा, जो बच्चा किताब से नफरत कर रहा था, वो बच्चा 2 से 3 महीना के अंदर कैसे पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। आप नॉर्मल पढ़ाई में बच्चे को बोरिंग फील होता है, मान लीजिए एक ही बुक है, एक ही सिलेबस, उनको 1 साल पढ़ना है, बच्चे का जी भर जाता है। वही पढ़ाई आप कंपटीशन ट्रैक में दीजिए। बच्चों को शुरुआत में बेशक जरूर थोड़ी बहुत नफरत करता है, बट जैसे वो समझने लगता है तो वो पढ़ाई में रुचि लेने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने ये सीख लिया, अब ये बुक बनानी है, अब ये बुक खत्म हुई, अब ये बुक बतानी है। तो उनको पढ़ने में रुचि लगने लगता है और बोरिंग फील नहीं करता है। इसीलिए कंपटीशन ट्रैक में उनको उतारिए। जो बच्चा जो है पढ़ाई से नफरत कर रहे हैं, देखिए वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई में रुचि नहीं लगता है। यह भी सत्य है, माँ बाप, हर माँ बाप बच्चे को सफल होना देखना चाहते हैं, यानी अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं। तो क्यों नहीं अभी से उनको कंपटीशन ट्रैक पर उतार के आगे उनको कंपटीशन लड़ना ही है, तो बेहतर होगा कि अभी से उनको कंपटीशन ट्रैक पर उतार दीजिए। इससे उनको स्वावलंबन की भावना आएगा और वो फिर अपने आप को कुछ समझेगा। एक भी कंपटीशन अगर निकाल लिया, और निकालेगा 100% निकालेगा, जब वो तैयारी करेंगे तो पक्का निकालेंगे। निकालने के बाद उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर वो कोई कंपटीशन से डरता नहीं है। तो बहतर होगा उनको अभी से कंपटीशन टाइप होता है। वैसे भी आप लोग नॉर्मल पढ़ाई में कंपटीशन से कहीं ज़्यादा खर्चा करते हैं, कहीं ज़्यादा है उसको ट्यूशन वगैरह देते हैं, जबकि काम दोनों पढ़ाई ही है। बट कंपटीशन में क्या होता है, बच्चों को हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक जिज्ञासा रहता है सीखने की, बनाने की और अच्छा मार्क लाने की। कंपटीशन और नॉर्मल पढ़ाई में अंतर यह है कि कंपटीशन में आपको दिए हुए समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहने का मतलब, अगर आपको 50 क्वेश्चन है तो सपोज कीजिए आपको 1 घंटा दिया, अब उनको 10 मिनट अपना रोल नंबर वगैरह सारा चीज़ या पढ़ने के लिए समझने के लिए उनको दिया जाता है। अब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बच्चे को दिमाग में प्रेशर रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी से जल्दी सेकंडों में जवाब देना है। और बाकी नॉर्मल पढ़ाई में या नॉर्मल एग्जाम में आपको इतना समय पर पाबंदी नहीं दिया जाता है, न किया जाता है। तो बच्चे की क्या है, अभी से माइंड में कंपटीशन का एक प्रकार से उमंग या सीखने की या समझने की भावना आ जाती है, फिर वह सेकंडों का हिसाब किताब करना शुरू कर देता है। तो कंपटीशन में ये फायदा है कि बच्चे का माइंड अभी से शार्प माइंड और बन जाएगा, आगे चल के कोई भी कंपटीशन उनको बहुत ईजी लगेगा और पढ़ाई में भी उनको बहुत रुचि लगेगा। जैसे कि आपको भी बताया, बिना लक्ष्य का इंसान भटकती आत्मा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कुछ पता नहीं। और अगर आपको लक्ष्य क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, तो हर काम आप दिल से और अच्छा और बेहतर तरीका से करते हैं। इसी प्रकार बच्चे को अभी से अहम दीजिए। अगर अहम देते हैं तो फिर उनको सारी चीज़ पता है कि हमको ये सब्जेक्ट या ये बुक या इतनी मार्क ये क्वेश्चन पढ़ना है, उनको सब चीज़ समझ में आने लगता है। तो बेहतर है कि उनको अभी से कंपटीशन ट्रैक होता रहिए और आगे चल के वो अच्छा करेंगे। बहुत सारे गार्जियन वगैरह क्वेश्चन और कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें तो कहीं ज़्यादा खर्चा होगा। नहीं,
जैसे आप नॉर्मल पढ़ाई में खर्चा करते हैं उतना ही इसमें भी, उससे पैसा नहीं होता और कम ही खर्चा होता है। आप देखिए कि आपका पहले ये फालतू से 14-15 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जबकि सब मिला जुला के कंपटीशन में वो सिमिट करके 4 से 5 सब्जेक्ट बन जाता है। जीके जीएस मतलब जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, ये सब जो है आगे चल के आपको हर कंपटीशन में, हर कंपटीशन में आप देखिए कि किसी भी सिलेबस में रीजनिंग नहीं है, ना किसी बोर्ड में है, लेकिन कंपटीशन में आप जाएंगे तो रीजनिंग आपको पक्का मिलेगा। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि आप रीजनिंग से बच्चों को दूर कर रहे हैं, कंपटीशन में आपको रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप सैनिक स्कूल में जाइए, मिलिट्री स्कूल में जाइए, नवोदय में जाइए या कहीं भी जाइए, तो उसमें आपको रीजनिंग पक्का मिलेगा, जबकि किसी बोर्ड या सिलेबस में नहीं है। तो ये सब एक एडिशनल सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका दिमाग अस्थिर या स्लो काम करता है, अगर आप अभी से रीजनिंग बनाते हैं तो आप पक्का जो है आगे चल के शार्प माइंड के बनेंगे। वैसे भी हम भी अपने सभी टीचर को या बच्चों को सलाह देते हैं कि सुबह सुबह पहले 40 मिनट सभी क्लास में रीजनिंग होगा, जिससे बच्चे का आलस भाग जाए, दिमाग उनका सही काम करना शुरू कर दे, और उनको जो है टाइम मतलब टाइम में भी सेकंड का हिसाब उसको पता चले कि सेकंड क्या होता है। इसी प्रकार जस्ट फिर 40 मिनट का क्विज देते हैं, इससे बच्चे को सोचने के, समझने का और जल्द से जल्द जवाब देने की आदत पड़ता है। उसके बाद फिर मैथ, उसके बाद फिर लिटरेचर, इस तरह से हम अपना एक स्ट्रेटजी बनाए, एक रणनीति बनाए, जिसके तहत बच्चे को हम अपने सीक्वेंस में रह करके अपने प्रोग्राम के अंदर कमजोर बच्चे को भी हम तेज बना लेते हैं कम से कम समय में। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चे को इस तरह का अवसर दीजिए और देखिए आगे चल के कैसे बेहतर करेंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, 3D मिनट अकेडमी टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन कमेंट है आप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ओके, जय दोस्तों।